हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय जैन विकास मैथ एकेडमी। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 रेशनलाइजेशन। ठीक है, अगर आपको एक्सरसाइज 3.1 देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। हमने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट अरेंज कर दिया है, वहां से आप इजिली कोई भी वीडियो पे जंप कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि रेशनलाइज करिए डिनोमिनेटर ऑफ हर जो क्वेश्चन दिया है उसको क्या करिए, उसका डिनोमिनेटर क्या करिए, रेशनलाइज करिए। तो सिंपली रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि उसका डिनोमिनेटर को हम इरेशनल नंबर से क्या कर दें, फ्री कर दें, मतलब उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दें। रेशनलाइजेशन में सिंपली होता है कि डिनोमिनेटर को हम क्या करें, इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका रेशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हम कन्वर्ट करते हैं उसको रेशनल नंबर में। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हम एक सूटेबल नंबर से क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कि इस तरीके से कि उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रूट फाइव है, तो रूट फाइव है तो अगर रूट फाइव से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और रूट फाइव नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता है कि रूट फाइव इंटू रूट फाइव क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ सेम इरेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो अगर रूट फाइव क्या है, रूट फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, नीचे का डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर से फ्री हो जाएगा। तो वही काम करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इसको हम इस तरीके से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये दिया है ना 3√5, तो ऊपर भी रूट फाइव से मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में क्या करिए, रूट फाइव से मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ऊपर आपका 3√5 और ये क्या हो जाएगा, रूट फाइव इंटू रूट फाइव क्या हो जाएगा, बस फाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बस फाइव हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, अब रेशनल नंबर हो गया ना, तो हमें डिनोमिनेटर को बस क्या करना था, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना था। वही तो मीनिंग होता है रेशनलाइजेशन का। तो आपका आंसर हो जाएगा 3√5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ठीक उसी तरीके से इसको भी करेंगे, ऊपर भी क्या करेंगे, रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी क्या करेंगे, रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर क्या हो जाएगा 3√5 और नीचे क्या हो जाएगा, रूट फाइव इंटू रूट फाइव, तो टू एस टू है तो ऐसे ही रहेगा और इंटू किया है तो इंटू ही क्या रहेगा, रूट फाइव इंटू रूट फाइव क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3√5 और 2 5 = 10, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, 1/√12 है। तो सेम उसी तरीके से जो ऊपर जो क्वेश्चन किया है इसी तरीके से को भी करेंगे, क्या करेंगे, रूट ट्वेल्व से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, रूट ट्वेल्व इंटू डिवाइडेड बाई रूट ट्वेल्व। ठीक है, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1√12 मतलब क्या, रूट ट्वेल्व डिवाइडेड बाई रूट ट्वेल्व इंटू रूट ट्वेल्व क्या हो जाएगा, 12। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा √12/12। तो देखिए ये क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर को क्या करना है, इरेशनल नंबर से फ्री करना है, मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, रूट फाइव है और रूट फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फाइव हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका √10। इसका फॉर्मूला आपको पढ़ा ही होंगे, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ए इंटू बी। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला क्या किया, हम यहाँ पे यूज़ किए हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट फाइव इंटू रूट फाइव क्या हो जाएगा, आपका फाइव हो जाएगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, रूट टू ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और रूट टू नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रूट मल्टीप्लाई करेगा इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, रूट सिक्स हो जाएगा। अब प्लस वन में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या करेगा, रूट टू हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आपका टू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन सिक्स क्या है, √2 + √5 / √3। तो क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है, तो क्या करेंगे, ऊपर भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी क्या करेंगे, रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √2 क्या हो जाएगा, √6 + √5 × √3 मतलब √15 डिवाइडेड बाय √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे 3/√2/√5 है, इसमें क्या करेंगे, √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 ऐसे ही रहेगा और √2 × √5 क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3/5 √10
ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, तो इस तरीके से लिखेंगे क्या है तभी आंसर है, और इस तरीके से लिखेंगे तभी सही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन टू क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री प्लेस ऑफ डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इट इज़ गिवन दैट अंडर रूट टू इक्वल टू 1.414, अंडर रूट थ्री इक्वल टू 1.732, अंडर रूट फाइव इक्वल टू 2.236, अंडर रूट टेन इक्वल टू 3.162। मतलब अंडर रूट की वैल्यू दी है, अंडर टू की, अंडर रूट थ्री की, अंडर रूट फाइव की और अंडर रूट टेन का वैल्यू दिया है। तो कह रहा है इसकी वैल्यू जो है 2/√3 का, इसका वैल्यू फाइंड आउट करिए, कितने प्लेस तक, थ्री प्लेस ऑफ डेसिमल तक। तो पहले क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, जितना भी दिया है पहले क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, उसके बाद जो बच जाता है आपका रूट टू बच जाता है तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे, या रूट थ्री बच जाएगा तो उसका वैल्यू पुट करके मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आता है, वहाँ से आपका आंसर आ जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। इसको रेशनलाइज करिए, 2/√3 को क्या करिए, रेशनलाइज करिए। देखिए कैसे करते हैं, 2/√3 है, रेशनलाइज करने का मतलब क्या, रूट थ्री से ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमेटर में भी। तो हम ऊपर भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2√3, मतलब 2 × √3, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 × √3, मतलब क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। तो अब क्या है, अब बच गया आपका, आपका ये बच गया 2 × √3/3, ये नहीं बचा। अब क्या करिए, यहाँ पर रूट थ्री की क्या करिए, वैल्यू पुट आउट कर दीजिए, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए करते हैं क्या आता है हमका, यहाँ पे 2 × √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई थ्री। तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा आपका, ये मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 1 + 2 = 3, divided by 3, ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा, इसको डिवाइड करके देखिए क्या आएगा, 3 × 1 = 3, पॉइंट के सामने क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा, फिर उसके बाद से क्या, 3 × 1 = 3, 1 × 3 = 15, 3 × 5 = 15, 1 × 8 क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 12, 14 होगा तो फिर 2 हासिल बचेगा, लेकिन हमें आगे तो जाना नहीं है, बस 3 डेसिमल के बाद क्या आना चाहिए, बस 3 डिजिट आना चाहिए। तो यही क्या आपका आंसर हो जाएगा, 1.152 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ठीक इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, 3/√10 इंटू क्या हो जाएगा, √10 × √10, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 × √10 होगा कि नहीं होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, √10 × √10 क्या आ जाता है, 10 आ जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10 की वैल्यू पुट अप करेंगे, मतलब 3 × 10 की वैल्यू कितनी दी है, 3.162 / 10, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, 8 × 1 = 3, 3 × 3 = 4, और तिथि लिखा 9, और पॉइंट यहाँ पे है तो यही रहेगा, और नीचे क्या है आपका, 10 है, ठीक है, नीचे क्या है आपका, 10 है। तो अब क्या हो जाएगा आपका, अब क्या हो जाएगा आपका, कह रहा है कि डेसिमल के क्या, 3 डिजिट के बाद, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने, 3 डिजिट आना चाहिए, ठीक है, कहने का मतलब इसका। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 0.948, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, इसको डिवाइड करके करेंगे तो यही आंसर आएगा, कितना आएगा, 0.09486 आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही रखना है, इसीलिए 6 को क्या करेंगे, हम इरेज कर देंगे, क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, √5 + 1/√2, रेशनलाइज किससे करेंगे, √2 से करेंगे, √2 / √2 मल्टीप्लीकेशन करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमेटर में, तो क्या आ जाएगा आपका, ये √2 इसे मल्टीप्लाई करेगा फिर इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो √2 × √5 क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा, √1 × √2 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, divided by 2 × √2, √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, √10 की वैल्यू कितनी दी है, 3.162, √2 की वैल्यू कितनी दी है, 1.414 divided by 2। अब क्या आएगा वैल्यू, इसको ऐड कर दीजिए, ये 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6,
एक और छः सात, चार चार और एक पाँच, एक और तीन चार, डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू। अब टू से डिवाइड करिए, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, टू थ्री ज़ा सिक्स, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे देखिए टू टू ज़ा फोर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर एक हासिल, दो अट्ठे सोलह फिर एक हासिल, ये आ जाएगा, मतलब 2.288 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्या है, ठीक इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, आपका दिया है आपका रूट टेन प्लस रूट फिफ्टीन डिवाइडेड बाई रूट टू, ठीक है दिया है ना, तो क्या करेंगे, रूट टू से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और रूट टू से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या, ये रूट टू इससे मल्टीप्लाई करेगा और इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, रूट टेन इंटू रूट टू रूट ट्वेंटी प्लस ये क्या हो जाएगा रूट थर्टी, कितना हो जाएगा रूट थर्टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई रूट टू इंटू रूट टू टू हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, तो अब देखिए हम ट्राई करेंगे ना, ये आपका रूट ट्वेंटी है और रूट थर्टी है, तो इसको हम ट्राई करेंगे कि या तो थ्री टू फाइव टेन के फॉर्म में क्या आ जाए, कन्वर्ट हो जाए, क्या किससे फॉर्म में, जो वैल्यू हमको दिया है उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे रूट टेन रूट ट्वेंटी को और रूट थर्टी को। तो क्या करेंगे, रूट ट्वेंटी को हम लिख सकते हैं क्या, फोर इंटू फाइव लिख सकते हैं, लिख सकते हैं फोर इंटू फाइव प्लस आप यहाँ पर लिख सकते हैं रूट थर्टी को क्या लिख सकते हैं, रूट थर्टी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट थर्टी टेन रूट थ्री भी लिख सकते हैं, टेन रूट थ्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लिख सकते हैं टेन रूट थ्री, मतलब टेन इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं, सॉरी टेन इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई रूट टू। अब देखिए ये फोर क्या है, टू का स्क्वायर है ना, तो ये बाहर निकल जाएगा, मतलब इस तरीके से निकल जाएगा, टू इंटू रूट फाइव हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए रूट टेन, तो रूट टेन ऐसे ही रहेगा, और रूट यहाँ पे रूट थ्री की वैल्यू लिख सकते हैं इस तरीके से, रूट टेन इंटू रूट थ्री लिख सकते नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा, वही वैल्यू आएगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, टू इंटू रूट फाइव की वैल्यू कितनी दी है आपका 2.236 प्लस रूट टेन की वैल्यू कितनी दी है 3.162 इंटू रूट थ्री की वैल्यू कितनी दिया गया है 1.732 डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और जो आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आएगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, मतलब इसको मल्टीप्लीकेशन करा के इसको ऐड करके टू से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 4.974 आएगा, ठीक है। ये तो इतना काम तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम छोड़ दे रहे हैं, बस आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो कुछ है नहीं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर टू का, फोर तक हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दिया है, क्वेश्चन फिफ्थ ये दिया है 2+√3 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, रूट थ्री की वैल्यू क्या करें, यहाँ पुट कर देंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे, उसके बाद से थ्री से डिविजन कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 2.3√3 की वैल्यू क्या दिया है 1.732 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको ऐड करिए, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3.732 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको डिवाइड करिए 3 से, तो क्या आ जाएगा 3 × 3.32 × 6 एक हासिल किया 3×12 इसमें से एक हासिल किया 3×12 तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 1.244 इसका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये है आपका √2 − 1 डिवाइडेड बाई √5। तो क्या करेंगे, पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, अंडर रूट फाइव को क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 − 1 √5 इंटू √5 डिवाइडेड बाई √5। तो क्या हो जाएगा, ये इसे मल्टीप्लाई करेगा, इसे मल्टीप्लाई करेगा, तो √2 × √5 क्या हो जाएगा √10 हो जाएगा, 1 × √5 मतलब √5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। रूट टेन की वैल्यू आपको दिया ही है 3.162 माइनस √5 की वैल्यू आपको दिया ही है 2.236 डिवाइडेड बाई √5, ठीक है। तो इसको क्या करिए, आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3.162 है और यहाँ पे 632.2 है, तो सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें से कैसे लीजिए 12 12 में 6 गया 6, यहाँ पर बचा 5, इसमें से 5 5 बचा 5 में से 3 गया बचा 2, ठीक है, इसमें से कैसे लगे 11 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे क्या बचा है
जीरो, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका 0.926 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या करिए 5 से डिवाइड करिए, देखिए जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.185। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा कि उनको भी क्या मिल पाए, हेल्प मिल पाए एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, ठीक है। कोई भी प्रकार की दिक्कत हो, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई नोट्स या दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत हो रही है सॉल्व करने में, तो सिंपली आप कमेंट करके लिख सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है, ये बता दीजिए, हम क्या कर देंगे सिंपली उसका वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कोई आपको दिक्कत हो बस सिंपली क्या करिए, आप कमेंट करिए, हमेशा 2400 घंटा उपलब्ध है हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है, तो वीडियो को पोस्ट करके इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेशनल डिनोमिनेटर, कह रहा है कि जो भी दिया गया है इसको क्या करिए, उसका डिनोमिनेटर को क्या करिए रेशनल नंबर में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो आपको पता है कि रेशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि उसके मदद से हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर में होता है तो उसको क्या करते हैं, हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब सिंपली कह रहा है इरेशनलाइजेशन करने के लिए कह रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यही मीनिंग होता है, क्या करते हैं इसका मीनिंग सिंपली होता है कि रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर में, तो उसको रेशनल नंबर में हम कन्वर्ट करें विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सूटेबल नंबर, ठीक है। तो सूटेबल नंबर से क्या करते हैं, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से उसका डिनोमिनेटर क्या आ जाए रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सिंपली क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 3+1/, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है 1/3+√2 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3+√2 है, इसको क्या करेंगे ऊपर भी 3 माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय 3 माइनस रूट टू, मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस रूट से 2 से और डिवाइड कर देंगे 3 माइनस रूट टू से, इसलिए कि एक दोनों क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए, इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस रूट टू न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में देखिए ये 3+√2 है और 3 माइनस रूट टू है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका a-b (a+b) के फॉर्म में क्या हो रहा है, ये एग्जिस्ट हो रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a²-b²। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3² - √2² होगा कि नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा आपका 3 - √2 डिवाइडेड बाई ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, √2² करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आता है, तो यहाँ पे 3 - √2 डिवाइडेड बाई 9 में से 2 गया, कितना बचा आपका 7 बचा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, तो यहीं पे तक छोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, अगर याद नहीं है आपको तो a-b (a+b) इक्वल टू होता है a²-b², ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने क्या किया यहाँ पे यूज़ किया है, इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हमने रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ाया है वो वीडियो देख लेंगे तो आपका सारा जितना फॉर्मूला यूज़ हो रहा है एक्सरसाइज में वहाँ पे हमने सारा लिखवा दिया है, तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, सिंपली 9 मिनट का है, हमने बताया उसमें कि रेशनलाइजेशन क्या होता है और सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाएँ बताया है जो जो आपके एक्सरसाइज में यूज़ होती हैं सॉल्व करते समय, ठीक है। तो वो वाला वीडियो आप जरूर जाके देखिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड क्या दिया हुआ है, 1/√6 - √5, इसको क्या करना है, इसको रेशनलाइजेशन करना है, तो क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे प्लस करके ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही काम करेंगे, देखिए आपका क्या हो जाएगा √6 - √5 × √6 + √5 डिवाइडेड बाई √6 + √5, क्यों कि ये वाला फॉर्म एग्जिस्ट हो जाए और स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा, मतलब ए का स्क्वायर होगा बी का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो इसीलिए हम ये वाला टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट आपका, तो यहाँ पर √6 + √5 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया
ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, तो क्या हो जाएगा, रूट सिक्स का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, ये सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा, रूट सिक्स का स्क्वायर क्या होगा सिक्स होगा, रूट फाइव का स्क्वायर क्या होगा फाइव होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा तो रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, और इसको सिक्स में से एक फाइव जाएगा तो क्या हो जाएगा वन बचेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है तो क्या है, नीचे वन है। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये दिया है 16 अपॉन रूट 41 माइनस 5 दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो 16 अपॉन रूट 41 माइनस 5 दिया है, तो क्या करेंगे रूट 41 प्लस प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे ही मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 41 माइनस 5, ठीक है। तो देखिए सॉरी माइनस है ना, तो ये प्लस, ठीक है प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा 16 रूट 41, और ये क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा तो 16 5 80, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, ये ए हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे 41 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, होगा नहीं होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 रूट 41 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 41 माइनस 5, इसको सॉल्व करिए जो आएगा क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, और एक इसका आंसर एक ही हो सकता है। यहाँ से क्या करिए 16 कॉमन ले लीजिए, 16 क्या करिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा रूट 41 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 36, तो ये क्या हो जाएगा 34 36 4 9 36, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 अपॉन 9 इंटू रूट 41 प्लस 5, ये भी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए ठीक इसी तरीके से क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 13 अपॉन 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 5 इंटू 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5, ठीक है। हमने क्या किया है प्लस लेकर ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब रेशनलाइज कर दिया है। तो अब क्या करें, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे का नीचे जो फॉर्मूला लगेगा उसको क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए ये 30 क्या करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, या इसी तरीके से आप रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा 30 और क्या हो जाएगा ये 5 रूट 3 और ये 3 रूट 15, ठीक है, इसी तरीके से हम रहें मल्टीप्लाई नहीं करा रहे हैं अंदर, ठीक है। अब देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आपका 5 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा आपका 3 रूट 5 का होल स्क्वायर, कहने का मतलब यही आएगा। तो अब देखिए ऊपर का ऊपर रहने दीजिए, इसी तरीके से क्या करें, इसीलिए रहने दे रहे हैं कि वहाँ पर क्या आएगा, आएगा तो इसको कटा देंगे, ठीक है, ये आपका रूट 5 है। अब देखिए ये नीचे कितना आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 5 का 25 और ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर आएगा तो क्या होगा 3, मतलब 25 तिहाई 75, ये 75 हो जाएगा, माइनस ये 2 का स्क्वायर इस पर भी आएगा 3 पे, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इंटू 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, तो 9 5 45, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है 30 5 इंटू रूट 3 प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई 75 में से क्या करिए 45 उठा दीजिए, कितना बचेगा 30, ये 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए हम इसको नहीं कटा रहे थे, मतलब मल्टीप्लीकेशन अंदर नहीं कर रहे थे। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, तो ठीक इसी तरीके से इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे, ये रेशनलाइज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 2 रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 2 रूट 5 प्लस रूट 3, ये क्या हो जाएगा, ये 2 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको क्योंकि इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो क्या हो जाएगा
इजीली आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है हमें। ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 पाँच 20 माइनस 9, ये क्या आ जाएगा 2√5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 11। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। तो ठीक इसी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से करिए, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के दिया है और इसे कमेंट करके जो बताएगा आपका आंसर कितना आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से सेल्फ सॉल्व करेंगे, हमारे लिए ये खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो 7 और 8 तीन क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन दिए हैं 6 से लेके जितने क्वेश्चन दिए हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 में आप खुद से सॉल्व करेंगे। हमने सारा क्वेश्चन उसका जो जो टाइप है हमने सॉल्व करा दिया है और उसका आंसर कमेंट करके जो बताएंगे कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो सर बोल दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे इजीली उसको सॉल्व करके आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, या वीडियो नेक्स्ट वीडियो जब एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम उसको बता देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली उसको सॉल्व करिए, सेल्फ कुछ क्वेश्चन भी आप सॉल्व करिए। ठीक है, सारा तो हम करा ही रहे हैं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आप खुद से कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल अपनी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा और कमेंट करके जो बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, हैव अ नाइस डे।